प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेक्स्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। का अच्छा इवेंट रहा और कई लोग, कई कंट्रीज जैसे आई, तो पाकिस्तान के लिए वैसे मुश्किल था, सिक्योरिटी वगैरह का के रीजंस रहते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, वहाँ पर भी एक टेंशन है, और जिस तरह से एक दूसरे के एम्बेसडर या कमिश्नर्स को निकाला गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसलिए कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि भारत के कनाडा से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त इतनी टेंशन नहीं है जितनी कनाडा में है, तो इस इशू को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जिन लोगों ने आपकी और मेरी वीडियोज़ इकट्ठी देख ली होंगी, उनको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बड़े ही अच्छे हैं। और भाई हमारे पर्सनल रिलेशन की बात नहीं है, अच्छे नहीं सर। उन्होंने कहा इस वक्त कनाडा के साथ ज्यादा टेंशन है। वही कह रहा हूँ मैं, अब उनकी टेंशन देखने के बाद उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के तो कोई मिसाइल ही नहीं है, क्योंकि आरजू के और सुमित के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। उनको लगता है जैसे कंट्रीज के भी रिलेशन कनाडा से ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको, अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख परमानेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है, हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीजे बंद कर दिए कि आपको वीजा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोक्रेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीजे बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? नबी कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्यों है, क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीजे बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं की ओन्ड हैं। वहाँ पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोल दिया हमारे पास प्रूफ है, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। क्यों? रीज़न है कि इनका एक प्लान था कि हरियाणा जीतने के बाद भारत के अंदर जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी ये घेराएंगे। वो इनका प्लान हो गया है फेल। दर्द इतना है कि चूँचू निकल रही है, और चूँचू निकलते निकलते अब दोबारा से उन्होंने वही बदतमीजियाँ जो पहले कर रहे थे वो करनी शुरू कर दी। अब कई लोग कहते हैं कि आगे कनाडा में इलेक्शन आने वाले हैं, उनको सिखों की जो है वोट्स की ज़रूरत है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। भाई सिखों में और खालिस्तानियों में फ़र्क है। इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया था, वही पन्नू पकौड़े वाले ने, 2000 लोगों ने वहाँ पर साइन किया है पेटिशन को। लाखों लोगों की वहाँ पर सिखों की पॉपुलेशन है, 2000 लोग सामने आए पेटिशन साइन करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि खालिस्तान मूवमेंट वो सिर्फ डीप स्टेट की, पन्नू की, ISI की या किसी भी कह दीजिए, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, निकलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको अगर लगता है कि खालिस्तानियों की सपोर्ट के कारण वो जीत सकता है अगले इलेक्शंस को, उसके लिए उसे उग्रवादियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो शायद उसे पाकिस्तान की जो एक लैंग्वेज है या उनकी जो आज की डेट में स्टेटस है उसे देख लेना चाहिए
कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था, आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज़ समझ आ जाएगी उस दिन वो ये बेवकूफ़ियाँ करने अभी बंद कर देगा और हमारे रिलेशंस ठीक भी हो जाएंगे कनाडा के साथ। बट एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड द रिलेशंस आर एट अ वेरी लो लेवल, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि हाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से कनाडा को अमेरिका की भी सपोर्ट है इस चीज़ में, इसलिए कि अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो या आपकी इकोनॉमी अगर आगे जा रही है तो वो अमेरिका को भी खटक रहा है। और इसको आप कैसे देखते हैं, वाकई में ऐसा है? देखिए जब चाइना बढ़ रहा था तो चाइना ने झुक कर बात किया और उसने अपनी कंट्री को राइज करवाया। यहाँ पर भारत थोड़ा सा डिफरेंट है, हम राइज कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी आर सपोर्टिंग अमेरिका या कनाडा या यूरोप। हमने अपनी इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिफरेंटली राइज करवाने की एक प्लान उसके ऊपर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हम ले गए हैं। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुक कर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया मैं ना तो चाइना हूँ ना पाकिस्तान हूँ, मैं अपने ही तरीके से मैं काम करूँगा। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को एक आदत है कि सामने वाले कंट्रीज़ को अगर वो उनके साथ मिलकर काम नहीं करते तो वहाँ पर पंगे डालते रहते हैं। पाकिस्तान उसका एक उदाहरण भी है। जब तक आप उनके साथ थे सेम पेज पर थे, 20 साल आपने कंटेनरों में पैसे लिए हैं, ये स्टैंड सोने के ऐसे नहीं बनते हैं मैडम। तो ये जो सारा कुछ है भारत ने कभी भी देखिए ब्लेन है, कोई सोने का पीछे स्टैंड नहीं है। तो क्यों हम अपनी मेहनत से काम करते हैं तो हम ये सारा फ्लैशी थिंग्स हम नहीं कर पाते। तो भारत में मोदी जी उसी काम कर रहे हैं जो भारत के इंटरेस्ट में है। अमेरिका को यही चीज़ें खलकती हैं, इसीलिए बार बार ये जो सारी टूल किट्स हैं ये क्रिएट की जाती हैं भारत में या हम की कंट्री जो हमारी गवर्नमेंट है उसे एक कॉर्नर करने के लिए। पीछे सच्चाई कुछ भी नहीं है, अगर हो भी प्रूफ ला के दीजिए, प्रूफ के बिना तो आप काम करते नहीं हैं। प्रूफ वैसे देखा जाए तो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो प्रूफ तो इनके पास सदाम हुसैन के खिलाफ भी थे कि मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, आज तक प्रूफ दिखाया नहीं है। उस गरीब आदमी को ऐसी टांग दिया वैसे ही जैसे गरीब इमरान खान को इन्होंने टांग दिया है। टांगा नहीं है सर, बिठा रखा है इमरान खान को। आप आगे की फ्यूचर की खबरें भी मत दें, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है इमरान खान को। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो है कनाडा और भारत की जो टेंशन है इस वक्त वो टॉप पे न्यूज़ के तौर पे देखी जा रही है और लग यही रहा है कि ये कहीं इस वक्त कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये इससे पहले भी हुआ था, कुछ टाइम पहले भी इन्होंने इसी किस्म की बातें की थी। तो आपको लग रहा है सिर्फ ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में ये चीज़ है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डोर हिलाई जा रही है अमेरिका की तरफ ही? मेरा इशारा है कि अमेरिका को क्या बीच में लाएगा भारत या अमेरिका के साथ अलग ही डील होगी? देखिए अमेरिका के साथ हमारी डील अलग है, कनाडा के साथ अलग है, लेकिन ट्रूडो मल जो है वो कोई भी काम CIA या अमेरिका के बिना वो काम नहीं करता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सारा कर नहीं सकता और जो जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ अमेरिका की शय के ऊपर और उनके साथ मिलकर ही ये काम हो रहे हैं। और मैंने सोल्यूशन भी दिया है भारतीय गवर्नमेंट को कि भाई आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है भारत के साथ, आप एक काम कीजिए कि आप टू नेशन थ्योरी जो है आपकी, आप टू नेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरह से आपने भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी के अंदर पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया, उसके बाद कश्मीर में आधा कश्मीर उधर दे दिया आधा इधर दे दिया, टू नेशन थ्योरी। और कितना सक्सेसफुली देखिए प्यार से अमन से आप भी रह रहे हैं हम भी रह रही हैं अंडर टू नेशन थ्योरी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बनाया उस पर भी टू नेशन थ्योरी बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, आप देखिए कितने प्यार की वहाँ पे पींगे पड़ रही हैं। चाइना ताइवान टू नेशन थ्योरी था, अभी ये बोलना शुरू कर दिया कि इसराइल और पैलेस्टीन टू नेशन थ्योरी। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका कनाडा में भी टू नेशन थ्योरी बना देनी चाहिए कि जो कनाडा का बॉर्डर है और अमेरिका का बॉर्डर है वहाँ से दोनों से एक एक एरिया लेकर जोड़ दीजिए और उसको खालिस्तान बना दीजिए, दोनों कंट्री भी खुश, टू नेशन थ्योरी भी इंप्लीमेंट हो जाएगी और सारी की सारी प्रॉब्लम जो आपकी भारत के साथ चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा एक काम और होगा, क्योंकि इनको गोरों को लगता है कि भाई इनकी जो है ना ये पॉलिसीज बनाते हैं उसे इंप्लीमेंट भी प्रॉपरली करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर टू नेशन थ्योरी हुई, हमें तो समझ नहीं आया कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो वहाँ पर वो प्रॉपरली जब इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे हमें कि टू नेशन थ्योरी बनाई कैसे जाती है, अपने ही कंट्री में से एक और कंट्री को कैसे बनाया जाता है और उसे चलाया जाता है, जब वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो हो सकता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन भी ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको और हमें सबको नहीं सर, सबको मिलकर दिखते भी उधर ही हैं सर, दिखते भी उधर ही है ना खालिस्तान के लोग ज्यादा, या भारत of में course, है या आप लोग दिखाते नहीं है, मीडिया कवरेज नहीं है क्या? क्या सी मैं खुद पंजाब से हूँ,
पंजाब के अंदर 0.00001% लोग जो हैं वो भी खालिस्तान मूवमेंट के साथ नहीं हैं, और जो हैं भी उनकी सबकी प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं और वो एक एक करके वीज़ा लेकर वो सारे कनाडा ही जा रहे हैं। पहले कनाडा की एम्बेसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, अब नहीं लग रही। अब जब से ट्रूडो मल जो है ये वहाँ पर आकर इसने इस खालिस्तानियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारे से यहाँ से जो स्टूडेंट्स भी जा रहे थे बाहर कनाडा पढ़ने के लिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या किसी और कंट्रीज में जाना पसंद कर रहे हैं, वो कनाडा नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं डेंट उनको ऑलरेडी लगना शुरू हो गया है। खालिस्तान मूवमेंट भारत पे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जब सारे खालिस्तानी वो वहीं पर बैठे हैं, उनके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं पन्नू वो भी वहीं बैठा है, और भाई खालिस्तान वहीं बना दीजिए और टू नेशन थ्योरी भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी और वहाँ पर एक कंट्री भी मिल जाएगा उनको। वैसे भी देखा जाए तो नाम ही खालिस्तान है, आधा अमेरिका खाली है, आधा कनाडा खाली है, तो खालिस्तान खाली जगह पे बनाने में उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सारे चीज़ों का हल एक ही है कि वी शुड नाउ आस्क फॉर टू नेशन थ्योरी इन अमेरिका एंड कनाडा, और दो दो कंट्रियों में से अगर हिस्सा निकल कर एक कंट्री बनेगी, ये एक मिसाल होगी इनकी भी, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सब का जो है निचोड़, उसका भी एक आंसर मिलेगा कि देखिए कितने महान लोग हैं ये अमेरिकन्स और कैनेडियंस, दो दो लोगों कंट्रीज ने मिलकर एक कंट्री बनाई है खालिस्तान नाम की, और उसका प्रधानमंत्री होगा वही खुजली वाला पन्नू। लेकिन सर बहरहाल ये टेंशन जो है कनाडा और इंडिया की, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, और जाहिर है एससीओ की मीटिंग भी हो के आखिरकार ख़त्म हुई और डॉक्टर जयशंकर खैरियत से भारत पहुंच गए हैं, और हम अब इंतज़ार करते हैं कि देखें कि जो बातचीत हो रही थी सर, कई वीडियोस आई हैं जिसमें वो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, स्पेशली इसहाक डार साहब के साथ, तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है कि वो वहाँ हॉल में जो फंक्शन था या इवेंट था उसमें कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा जो कि हम दुआ कर रहे हैं कि हो। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, और इसी तरह के टॉपिक्स पे हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी आप जाके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसे आपने पूरा एंजॉय किया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।